नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित एक वीडियो इससे पहले वाला बना दिया था, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर के भाग रह गए थे। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इससे पहले वाला ये चीज़ आप देख सकते हैं, पहले वाला वीडियो। आज मैं बताऊँगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं या जिस पर हम काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसकी जो परिभाषा है, प्रयोक्ता कंप्यूटर में निर्देशों, मूल आंकड़ों तथा एकाकी सूचनाओं को जब किसी ऐसे व्यवस्थित क्रम में रखता है जिससे कंप्यूटर उनसे परिणाम देने लगता है, तो ऐसे व्यवस्थित क्रम को प्रोग्राम कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम में रख देना एक प्रोग्राम कहलाएगा। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम की नींव डालते हैं, फिर उसके ऊपर दीवार खींचते हैं, फिर ऊपर छत लगती है, तो एक उसका व्यवस्थित क्रम हो गया। उसी प्रकार से अपने कंप्यूटर का भी व्यवस्थित क्रम होता है, और प्रोग्रामों का एक व्यवस्थित समूह है जिसे छुआ नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और मान लो हम व्यवस्थित क्रम, जैसे ये नीचे सॉफ्टवेयर दिखा रखे हैं मैंने, इसको हम देख सकते हैं सारे के सारे। जैसे मोबाइल के अंदर जो ऐप होते हैं वो हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, विंडो के अंदर जितने भी हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी नेट से चलने वाले या मोजिला फायरफॉक्स वगैरह जो भी हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इनमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यानी मान लो कंप्यूटर आपके पास है और आपने कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं डाल रखा, तो वो किस काम का है? क्या उसको कंप्यूटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, तो एक खाली डिब्बा है। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किए जाए। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक उसको लोड नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। अब ये होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैं आगे बताऊँगा। इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्र टाइप करना चाहते हैं, या ग्राफिक चार्ट बनाना चाहते हैं, या प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना चाहते हैं, या कार्यालय संबंधी व्यक्तिगत डाटा का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो जो भी आपका उद्देश्य है उनके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे टाइपिंग करनी है तो आप एमएस वर्ड को डालोगे, अकाउंट पे काम करना है तो टेली का सॉफ्टवेयर डालोगे, गेम खेलना है तो गेम डालोगे, तो वो सारे के सारे हो गए सॉफ्टवेयर। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर यदि आपके कंप्यूटर में नहीं है तो वो क्या हो गया कि खाली डिब्बा हो गया। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध एवं नियंत्रण करता है, जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। कहने का अर्थ, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो है, आप कई बार बोलते हो कि विंडो उड़ गई, विंडो क्रिप्ट हो गई, या नया कंप्यूटर लेके आते हो तो उसमें विंडो नहीं आती, तो वो क्या है? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम आपका कौन सा हो गया? कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर हो गया विंडो, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी, क्योंकि इस वो सभी सॉफ्टवेयरों को, जितने भी, जैसे आपका गेम का है, एमएस वर्ड का है, या अन्य जितनी टेली है, तो जितनी भी अन्य आप सॉफ्टवेयर जितनी आपको आवश्यकता होती है, उनको चलाने वाला, व्यवस्थित रूप से चलाने वाला कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे विंडो है, विंडो आपने सिस्टम में डाल रखी है तभी तो दूसरे उसके ऊपर प्रोग्राम काम करेंगे, तो विंडो क्या हो गया? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग करता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो एक डिब्बे मात्र है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे जितने भी काम है उसको करने के लिए काम में आते हैं। जैसे एम एस वर्ड के अंदर आप कोई भी टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग करोगे कहाँ, एम एस वर्ड आपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाल रखा है तो ही तो काम करोगे। कोई डाटा का बनाना है, एक्सेल में शीट बनानी है तो एम एस एक्सेल उसके अंदर है तो ही काम करोगे। टेली पे अकाउंट का काम करना है तो टेली आपके सॉफ्टवेयर है तो ही काम करोगे ना। तो ये जितने भी हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर और कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी आपके कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है, कई बार काम करना बंद कर देता है या प्रोग्राम अटक जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंट है, ये सभी को डाल के रखना चाहिए क्योंकि आपकी जितनी भी फाइलें खोलते हो तो वो सारा का सारा क्या है उसको व्यवस्थित क्रम में रख देता है। हम कोई भी प्रोग्राम बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, बहुत सारे 15-20 दिन हो जाएंगे, महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएंगे, उसके बाद में क्या है थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर काम करना स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है जिसको आप 5-7 दिन से एक बार चालू कर लो, आपका कंप्यूटर की स्पीड बराबर बनी रहेगी। या सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, ये जितने भी हैं ये मतलब सफाई करने के काम में आते हैं। जैसे कोई कचरा पड़ जाता है ना आपके घर में, झाड़ू लगाते हो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार से झाड़ू का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको मैं दिखाता हूँ, ये आपका कल का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर की मैं बात कर रहा था उसको दिखाता हूँ। वो सॉफ्टवेयर देखिए ये होता है, ठीक है, ये जो मेरा माउस या जो हरी लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है, यस पे क्लिक करो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, क्लिक टू इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी इंस्टॉलेशन ले रहा है, ठीक है। ये होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अभी देखिए ऐसा आइकन बन जाएगा आपके, इसको फिनिश कर दो। अब ये देखो ये आइकन, ये तो खुल गया है। आइकन मैं दिखा देता हूँ इसका कैसा बनेगा, इसको काट दीजिए, ये देखो ये आइकन है इसका, ठीक है। अब इसको ये सभी में टिक मार्क होना चाहिए, देखो ये इसमें टिक मार्क है ना, ये टिक मार्क ये सभी में होना चाहिए, और यहाँ डिफ्रेगर लिखा हुआ है तो इसको आप ये जो बीच वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, या डिफ्रेगमेंटर भी कर सकते हो, ठीक है, इसको कर लेना है। और ये एक आगे लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग, यानी आप जैसे इस पर टिक मार्क कर देते हो तो जो कंप्यूटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा जैसे ही फिनिश होगा। और ये जो रेड रेड दिखा रहा है पट्टी, इसका अर्थ है कि ये जितनी भी फाइलें हैं वो अव्यवस्थित है। एरे का अर्थ है नॉट फ्रेगमेंट, यानी हुई नहीं है। ये जो नीचे सभी का पीले का क्या क्या अर्थ है वो सारे के सारे यहाँ नीचे दी हुई, यानी ये सारी के सारे जैसे प्रोसेसिंग लेगा, ये देखो प्रोग्रेस लिख रखा है यहाँ, 100% यदि प्रत्येक पार्टीशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके स्पीड देखना कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो सभी को अपने कंप्यूटर के अंदर रखना भी चाहिए क्योंकि हमें कंप्यूटर पे झाड़ू लगाना है, साफ करना है, कहने का अर्थ कचरा कचरा, घर के अंदर झाड़ू लगाने का अर्थ ये थोड़ी है कि पूरा सामान निकाल दोगे। यानी कचरा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो फालतू की फाइलें होती हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं। और एक सॉफ्टवेयर मैंने खुद ने बनाया था, जैसे ये है ए क्लीनर्स नाम से, ये इसका वीडियो मैंने चैनल पे है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये फाइलें जितनी भी होती हैं, देखो डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी आपने जो जो कई बार वेबसाइट खोलते हो तो उसकी सारी जो फालतू की हिस्ट्री है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। और
ये देखिए सारा डिलीट ब्राउजिंग कर रहा है, तो इसको होने दें। यानी ये सॉफ्टवेयर यदि मान लो आप इंस्टॉल करते हो, तो मेरा दूसरा वीडियो है उसके नीचे चैनल के ऊपर, तो उससे आप इसको निकाल लीजिए। देखिए ठीक है, अब ये सारी फाइलें हैं ना, अब ये डिस्क क्लीनअप ऑटोमेटिकली मैंने सॉफ्टवेयर बना रखा है, जितनी भी कचरा है ना वो सारा निकल जाएगा। जैसे देखिए ओके करो इसको। ओके करने के बाद ये देखो ये सारी क्लीनिंग आपकी जो डिस्क है, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है उसको है ना ये साफ कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप काम में लें अपने कंप्यूटर में। सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, स्लो चल रहा है, तो इसके लिए सबसे हल्का और सबसे बढ़िया काम करने वाला सॉफ्टवेयर यही है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेग। और इस जो मैंने एक एक क्लीनर्स नाम से बना रखा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर कमांड डाल रखे हैं मैंने, वो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम का सारा कचरा है वो निकाल के फेंक देगा। ये देखिए रेड पट्टी इस साइड में जो थी ना, ये सारा क्लियर हो गया, जो रेड पट्टी थी वो सारा का सारा एरिया हो गया ना, अभी एक भी नहीं है। अभी देखना आपके इस कंप्यूटर की स्पीड है वो दुगुनी हो जाएगी, और ये भी अब काम कर रहा है अपना। ठीक है ये काम कर रहा है, अब यहाँ से क्या है सबको टिक मार कर देना है, और ये देखिए अभी मैं दिखाऊंगा इसको ओके करना है। ओके करते ही डिलीट फाइल, अब जितना भी आपके सिस्टम इंटरनेट टेम्परेली जिसको नीचे नाम चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ये अभी इंस्टॉल किया ना इसलिए पूछ रहा है, तो जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी अब रिमूव कर देगा, डंप फाइल, टेम्परेली फाइल, कुकीज, हिस्ट्री। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर की स्पीड है वो सबसे दुगुनी हो जाएगी पहले से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो और भी आपके सामने आते रहेंगे। ये मैंने बीच में इंस्टॉलेशन वगैरह इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए कि इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है अब इसको मैं पूरा करके दिखाई देता हूँ, मैंने बता ही दिया है तो आपको। स्टार्टिंग में आपके थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जैसे पहली बार डालोगे ना तो उसमें पता नहीं आपका कब कब का क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा साफ़ करने में टाइम लेगा। बाद में आप दो चार दिन से डेली करोगे तो सेकंडों के अंदर ये साफ कर देगा। मैंने बहुत दिन हो गया, महीना भर हो गया मैंने काम नहीं लिया था, अभी आपके सामने इंस्टॉलेशन किया है इसको। ये देखो सी ड्राइव को साफ़ कर रहा है, पूरा का पूरा साफ़ कर देगा। ऊपर लिखा हो ना क्लीनर, क्लीनिंग अप अननेसेसरीज फाइल, यानी जो हमें आवश्यक ही नहीं है उन फाइलों को साफ करेगा, आपकी कोई भी बनाई हुई फाइल साफ नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा कचरा आ जाता है ना कंप्यूटर के अंदर उसको साफ करेगा ये। देखिए पूरा होने जा रहा है प्रोसेस, यहाँ के आगे ओके मांगेगा क्योंकि ये अभी साफ़ कर रहा है, हो सकता है टाइम ले ले तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, हर भी प्रकार का वीडियो देखें ई मित्र से संबंधित। देखिए ये हो गया है, ठीक है, थैंक यू।